गोकुलधाम सोसाइटी में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए अल सवेरे ही सभी सदस्य सज धज कर इकट्ठे हो गए थे। चारों ओर वातावरण में देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियां गूंज रही थीं। हर व्यक्ति उत्साह एवं उमंग से भरा हुआ था। झंडारोहण कौन करेगा, यह रहस्यनुमा प्रश्न सभी सदस्यों की उत्कंठा बढ़ा रहा था। रूप सिंह ने तंवर सिंह से कहा, मुझे तो लगता है कि झंडारोहण करने के लिए बाहर से कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तंवर सिंह ने भी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो ऐसा ही है कि इस बार झंडारोहण किसी बड़ी हस्ती के हाथों होने वाला है, तभी तो इस बार किसी को नहीं बताया गया। इतने में सोसाइटी के सेक्रेटरी प्यारेलाल ने मंच से घोषणा की, प्यारे सदस्यों, आपको जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है। झंडारोहण करने के लिए हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। आप सभी हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करें। नेपथ्य में से विशिष्ट अतिथि भोला राम का प्रवेश हुआ। सेक्रेटरी महोदय ने कहा, जी हां, यही हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भोला राम जी। सोसाइटी वाले भोला राम को देखकर दंग रह गए और एक दूसरे से कहने लगे, एक कचरे वाला और विशिष्ट अतिथि। सेक्रेटरी ने लोगों की बेचैनी को भांपते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप भोला राम जी को देखकर थोड़ा असमंजस महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी सोसाइटी को हरदम साफ सुथरा और चमकदार रखने वाले एक सच्चे देशभक्त भोला राम जी के हाथों हमें झंडारोहण कराने का अवसर मिला है। सभी इस बात से सहमत हुए। भोला राम ने झंडे की रस्सी खींचकर झंडारोहण किया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों की भारी मात्रा में तालियों की गूंज संकेत कर रही थी कि अब भोला राम कचरा वाला के बजाय सफाई वाला मान लिया गया था। दोस्तों, आप सुन रहे थे देवेंद्र राज सुथार की लिखी लघु कथा विशिष्ट अतिथि। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और आप इसे सब तक पहुंचाएंगे भी सही, है ना। लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी जाहिर कीजिए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी या लघु कथा के साथ मैं फिर आपके बीच उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। सफर है ये, सफर है कहानियों का, ये सफर है।